जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। जहाँ भी इंडियंस है दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड, ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है। छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पिक्चर्स जो मैंने बाजू में लगाई हुई है, और आपने शायद ये पिक्चर बहुत देखी होगी, बीच में जापानीज प्रेसिडेंट, जापानीज प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं जापान के, और बाइडन साहब जो हैं अपने जो बाइडन US के प्रेसिडेंट ऐसा कर रहे हैं, सीन ऐसा कुछ है, वहाँ से मोदी जी वैसा कर रहे हैं, सलाम मोदी जी सलाम, इस तरीके का तो सीन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो यार, ये पिक्चर है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हर जगह हो रही है वायरल। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस पिक्चर के बारे में डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, क्या मसाइल है पाकिस्तान फेस कर रहा है इस टाइम के अंदर, और G20 समिट के अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस अहल क्यों नहीं है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा। इंडिया डे बाई डे डेवलप क्यों होता जा रहा है, किस वजह से तरक्की कर रहा है, क्या वजूहत है उसके डेवलप होने के पीछे। जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी, तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडन आके सलूट कर रहा है इंडिया को। एक्चुअली ये सलूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा, वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है, पॉलिसीज उनकी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है तो वो उसको सल्यूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सल्यूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं होती। सर बाय नेशन इंडिया कैसा है? बाय नेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लैदा हुआ है, तो बाय नेशन तो हमारी तरह के ही लोग हैं वहाँ पे भी। सर हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रोंग तो होंगे ना किसी न किसी चीज़ से, जो इतना डेवलप कर गए अपने आप को, अपनी सोच बदली, मुल्क बदल दिया। हमारी सोच कैसी है, क्या हमने सोच बदली है? अगर सोच बदली तो मुल्क क्यों नहीं बदला, अगर नहीं बदली तो कब बदलेंगे? एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी सिविलियन गवर्नमेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुल्क के अंदर आपको पता है मार्शल लॉज लगते रहे, इंडिया में आज तक कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा, इसकी क्या वजह है? तो ये सारी हमें बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सारी पार्टीज़ को बैठना चाहिए, साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, और बैठ के जो है ना इसका फ़ैसला करें कि मुल्क को अगर तो बचाना है, इकॉनमी को बूस्ट देनी है, तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। ऑयल पे तो अभी तो हमें कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया को डिमांड की थी कि इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कॉटन दे दो, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हो गई है। जर्रई मुल्क होने के बावजूद भी सर हम गंदम इंडिया को कह रहे थे, चावल कह रहे थे कि भाई आप हमें दे दो, रशिया के साथ जो डील करके आए थे इमरान खान साहब वो तो कैंसिल होगी। सो इंडिया हैज दिस ह्यूज रीच, और जहां जहां भी इंडियंस हैं दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड, ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है, तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए आप ऋषि सुनाक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है, तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफिज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देर इज समबडी फ्रॉम इंडिया।
तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर, बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया. इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, सो देर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है, एंड इंडिया इज बिगनिंग टू यूज दिस. मतलब इंडिया अपने डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा. इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप. तो थोड़ा मजा चखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप, बट इट इज ऑल्सो ए टेस्ट. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जहां मोदी से, मोदी की मुलाकात बाइडन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग. आप नोटिस करें इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग. हैव यू नोटिस के मोदी इज टॉकिंग, दे आर लिसनिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है. ही इज द वन टॉकिंग. So, I have a feeling that he is more prepared for these meetings than they are. Ki he has something to say. To hamare paas hum log kabhi logon ko kehte hain ya students ko ki you should have a. To dosto ye video yahan par hota hai khatam. Aapne dekha kis tarike se is picture ko har jagah share kiya ja raha hai, especially मीडिया हाउसेस इसको काफ़ी कवर कर रहे हैं, और इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितना स्ट्रांग है और भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यूएस के प्रेसिडेंट, ये कोई यूएस के प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं मोदी जी को कि वो सलाम ठोक रहे हैं. ये इंडिया की एक, मतलब जो अब वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं इस पिक्चर से कितनी ज़्यादा है. तो ये सीन हुआ है बाली में, G20 समिट हुआ आपको पता है इंडोनेशिया बाली में. वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल लीडर्स के साथ मुलाकात की. आपने देखा होगा ऋषि सुनक जो यूके के नए प्रधानमंत्री बने और हिंदू हैं, तो उसकी वजह से उनके साथ उन जो मुलाकात थी वो भी काफ़ी मीडिया में कवर की गई. और उस मुलाकात में आपने देखा कि उसके बाद ऋषि सुनक ने हिंदी में ट्वीट किया. हालांकि कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसा कई देश के राष्ट्राध्यक्ष कर चुके हैं. आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, अरब कंट्रीज़, जर्मन, मैक्रोन कई बार हिंदी में ट्वीट कर चुके हैं, और इवन इसराइल के जो नेतन्याहू थे और जो नए हैं वो करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. तो हिंदी में ट्वीट हुआ भारत के लिए, तो भारत का जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है दुनिया में, आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत, उसकी वैल्यू अब हमें दिख रही है. और स्पेशली जो ये करंट गवर्नमेंट है, जब से ये आई है तो उसके बाद से हमें एहसास भी होने लगा है. अब इस पिक्चर को लेकर पाकिस्तान का मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन आएगा. और आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के साथ एक और बहुत जल्द नए